हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फतेहपुर सीकरी के हिस्ट्री के बारे में बताया था और बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद और इस्लाम खान का मकबरा कवर किया था। आज हम इस पार्ट टू वीडियो में फतेहपुर सीकरी की बाकी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत एक और ट्रिप का। यह है 110 शाही अरबी घोड़ों का अस्तबल और इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। आप देख सकते हैं दीवारों पर घोड़ों को बांधने और उसको चारा देने के लिए भी जगह दी गई है। यह अस्तबल खास तौर से शाही लोगों के लिए बनाया गया था, जिसके घोड़ों का इस्तेमाल केवल अकबर, उनके मंत्रियों और सेना द्वारा ही किया जाता था। यह है बादशाह अकबर का दीवान खास, जो की 2 मंजिला इमारत है। दीवान खास में अकबर अपने 9 रत्नों के साथ राजनीतिक और अन्य चर्चा किया करते थे। इस जगह का निर्माण बेहद खूबसूरत नक्काशी किए हुए पत्थरों से किया गया है। इसी वजह से यह जगह अपनी अद्भुत सुंदरता और भव्यता के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। इस जगह को खजाना भवन कहा जाता है और इसमें 3 कमरे हैं और अकबर के समय में इसको राजकीय कोष की तरह इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पर सोने चांदी के सिक्के और अन्य कीमती चीजों को रखा जाता। कुछ लोग इस जगह को आज आंख मिचोली भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां बादशाह अकबर हर साल तुलादान किया करते थे। इस जगह पर गरीब लोग खड़े रहते थे और अकबर सामने बैठकर अपना वजन करवाते थे और जितना उनका वजन होता था उतना ही सोना चांदी वो गरीब लोगों को बांट देते थे। इस जगह को पंचमहल कहा जाता है, जो कि 5 मंजिला है और इसका निर्माण भी लाल बलुआ पत्थर द्वारा ही किया गया है। इस महल में टोटल 176 पिलर है। इसकी हर मंजिल लगभग 7 फीट की है और आप देख सकते हैं कि इसकी हर दीवार पर सूर्यमुखी फूल बनाया गया है। इस महल की 5वीं मंजिल पर बैठकर अकबर नीचे होने वाले मनोरंजन के कार्यक्रमों को देखा करते थे। पंच महल के सामने जो इमारत है उस समय की लाइब्रेरी हुआ करती थी और इसके नीचे मदरसा हुआ करता था, जहां दासियों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। ये अकबर का ख्वाबगाह है, यानी कि ड्रीम हाउस। इस जगह में आने के लिए आपको थोड़ा झुककर आना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर की हाइट कम थी और वो चाहते थे जब कोई उनसे मिलने आए तो झुककर आए और उन्हें सजदा करे। ये बादशाह अकबर का बेड है, जो कि काफी बड़ा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसके पीछे आप बड़ी खिड़की देख सकते हैं, जहां से उन्हें ताजी हवा आती थी और वो वहां से अपनी सेना को भी देख सकते थे। अकबर के कमरे के बाहर लगभग 5 फीट का एक बड़ा सा बाउल बनाया गया था, जिसमें गुलाब जल भरकर रखा जाता था ताकि इसकी सुगंध बादशाह के कमरे में जा सके। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं बादशाह अकबर की सबसे बड़ी बेगम रुकैया सुल्तान बेगम के महल में। रुकैया जन्म से ही मुगल राजकुमारी थी। उनके पिता हिंदल मिर्जा अकबर के पिता हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। उन्होंने 9 साल की उम्र में अकबर के साथ मंगनी की और 14 साल की उम्र में उनसे शादी कर ली। ये बेगम का अपना कमरा था और यहाँ पर नीचे शाही कालीन बिछी होती थी और दीवारें कीमती पत्थरों से सजी हुई थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने लूट लिया था। आप देख सकते हैं इस महल के पिलर, दीवारों, जालियों और छतों पर बेहद ही बारीक और उत्कर्ष डिजाइनिंग करी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के कारीगर कितने मेहनती हुआ करते थे। ये महल अकबर की दूसरी कैथलिक बेगम मरियम का है। इस महल का निर्माण भी लाल बलुआ पत्थर से ही किया गया है। कहा जाता है कि इसके एंट्रेंस पर दरवाजों पर गुलाब जल भरकर रखा जाता था ताकि सारा महल सुगंधित रहे। अगर आप इस महल की दीवारों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी दीवारों पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो कि अब काफी हद तक नष्ट हो चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महल की छतों पर भी बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे, जिसे बाद में ब्रिटिशर्स अपने साथ लूट कर ले गए। ये बाहरी कमरे उस समय उनकी दासियों का था, जो यहाँ पर उनके साथ रहा करती थी और ये सीढ़ियां उनके आने जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये महल बादशाह अकबर की तीसरी बेगम जोधाबाई का है, जो कि इस जगह का सबसे बड़ा महल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस महल की बालकनी राजस्थानी आर्किटेक्चर और इसके ऊपर बने गुंबद इस्लामिक आर्किटेक्चर के बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि इस महल का निर्माण दोनों कल्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये एक बेहद ही सुंदर महल है, तो आइए चलते हैं इस महल के अंदर।
सामने जोधाबाई का अपना मंदिर था जहां वो पूजा किया करती थी, और यहां कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी, और यहां छोटी खिड़कियों पर अन्य देवी देवताओं की मूर्ति हुआ करती थी। साथ ही में इनके साइड में दो कमरे भी हैं जहां पर पूजा और हवन का सामान रखा जाता था। इस महल के अंदर जोधाबाई मौसम के हिसाब से अलग अलग जगह पर रहती थी। ये उनका समर पैलेस है और इसके अपोजिट में उनका विंटर पैलेस है। इस पैलेस की छत पर अलग तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो गर्मियों में भी इसे ठंडा रखती है। इस पैलेस के पीछे दीवार नहीं है, जालियां हैं जो तीनों ओर से खुली हुई हैं, जो इसे गर्मियों में भी ठंडी रखती हैं। ये जोधाबाई का किचन था और यहाँ पर वो अपना खुद शाकाहारी खाना बनाती थी। उन्होंने बादशाह अकबर से शादी से पहले ही ये शर्त रख दी थी कि वो कभी अपना रिलीजन चेंज नहीं करेंगी और उनको महल में अपना एक मंदिर और एक अलग किचन मिले। अकबर के किले की जो कि फतेहपुर फोर्ट के बिल्कुल अपोजिट में है, जहाँ पे अकबर का अपना महल है अंदर और उनकी जो तीन अलग अलग रानियाँ हैं उनके महल हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत बड़ा महल है। मैं पहले भी फतेहपुर आ चुका हूँ बट उस टाइम पे मैंने ये महल नहीं देखा था, तो आज मैंने गाइड हायर किया, उन्होंने बताया ये बहुत अच्छी जगह है तो मुझे यहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए, और मैं खुश हुआ कि सच में बहुत अच्छा महल है ये। और कोशिश करी कि मैंने सब जगह की वीडियो मैं ले सकूँ। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यह बीरबल का महल है जो कि बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और उनके परिषद के नौ सलाहकारों यानी नवरत्नों में से एक थे। आप सबने जरूर उनकी काफी कहानियां सुनी होंगी। बादशाह अकबर दरबार में काफी बार उनसे ऐसे सवाल पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन हो जाता था, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी से हमेशा सभी प्रश्नों का जवाब आसानी से दे देते थे। इस महल में दो मंजिलें हैं और अब इसके ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। बीरबल का महल बेहद ही शानदार और उत्कृष्ट कारीगरी का उदाहरण पेश करता है। इसकी डिजाइनिंग में हिंदू, इस्लामिक और पर्शियन आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस महल में आप जहां कहीं भी देखें वहां आपको बारीकी से किया गया काम ही नजर आएगा। और बहुत ही सुंदर जगह है। अब मौसम खेल चुका है, धूप निकल रही है और जितने भी इनके महल हैं, जितनी भी इनकी पुरानी इमारतें हैं वो सारे रेड कलर में इतनी प्यारी लग रही हैं। बहुत अच्छी जगह है, कभी अगर आप आगरा आएँ तो फतेहपुर सीकरी में आएँ तो ये जगह ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। यह दीवाने आम है जहाँ पर बादशाह अकबर जनता के लिए अपना दरबार लगाया करते थे और अपनी जनता से मिलकर उनकी फरियाद सुना करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। पुराने जमाने में ये एक मिट्टी का मैदान हुआ करता था। सामने सबसे ऊपर अकबर बैठा करते थे और आम जनता के लिए यहाँ बैठने के लिए कारपेट बिछाया जाता था। बाकी जो बड़े लोग हुआ करते थे वो ऊपर बैठा करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस ग्राउंड में दोषियों को सजा देने के लिए हाथियों को भी बांधा जाता था। आइए मैं आपको इस महल के आखिरी कोने से यहाँ का 360 व्यू दिखाता हूँ। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।